आई एम लिटल ऑफ टूडे अब इस स्टेटमेंट में ओ डब्ल एफ ऑफ आएगा कि ओ एफ ऑफ आएगा इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन सो गाइज हाई आई एम द व्याखन्ना योर वेरी ओन इंग्लिश जीनी और इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ एंड ऑफ सबसे पहले मोस्ट ऑफ यू विल बी अमेज टू नो कि इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग है ओ एफ को हम प्रोनाउंस करते हैं ऑफ एफ बेसिकली साइलेंट है और साउंड वी की होनी चाहिए बाय द एंड ऑफ दिस वर्ड सो कम ऑन से इट विद मी ऑफ लेकिन ओ डबल एफ को हम प्रोनाउंस करते हैं विद द साउंड ऑफ एफ लेट्स से दिस वर्ड एज वेल ऑफ अब समझते हैं हाउ डू वी यूज देम डिफरेंटली ओ डबल एफ को हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं जैसे सबसे पहले हम इसे यूज कर सकते हैं किसी चीज को डिसकंटिन्यू करने के सेंस में मतलब किसी चीज़ को रोकने के सेंस में यूज कर सकते हैं जैसे हम घर की लाइट्स ऑफ करने के टाइम क्या बोलते हैं टर्न द लाइट्स ऑफ या ड्यू टू द एबसेंस ऑफ सो मेनी एम्प्लॉयज वी कॉल द मीटिंग ऑफ कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना जैसे देयर मैरिज वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैमिलीज नाउ लुक एट वन मोर सेंटेंस प्रीत सेट टू छवि आई एम ऑफ लिकर दीज डेज इस सेंटेंस का मीनिंग है प्रीत ने लिकर डिसकंटिन्यू कर दी है ऑफ का दूसरा मतलब होता है टू बी अवे फ्रॉम अ पर्सन और अ थिंग मतलब किसी चीज से दूर हो जाना जैसे द थीफ रैन ऑफ आफ्टर स्टीलिंग ऑल द कैश रैन ऑफ का मतलब है दूर भाग गया नेक्स्ट मान लो तुम अपने फ्रेंड के घर फोन करते हो एंड उसकी मम्मी तुम्हें बोलते हैं आदित्य इज नॉट एट होम ही इज ऑफ टू मुंबई इसका मतलब है वो मुंबई गया हुआ है मतलब घर से दूर गया हुआ है या अलीना क्राइड अलॉट एज शी फेल ऑफ द बाइसिकल एक और सेंटेंस देखो आई वॉट दिस स्वेटर फ्रॉम अ शॉप जस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीट इसका क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग हुआ मैंने ये स्वेटर एक ऐसी शॉप से खरीदा है जो मेन स्ट्रीट से थोड़ी सी दूर है चलो वन लास्ट सेंटेंस द शिप इज पार्क टू माइल्स ऑफ द शोर इसका मतलब है शिप को दो माइल्स दूर पार्क किया गया है शोर से बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ ऑफ का सबसे बेसिक फंक्शन है टू शो बिलोंगिंगनेस और पोजेशन जैसे दे आर द वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्री वो इस फैक्ट्री के वर्कर्स हैं मतलब इस फैक्ट्री को बिलोंग करते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सुवर्णा इज द वाइफ ऑफ अ किंग ही इज द चाइल्ड ऑफ द कपूर्स तीनों सेंटेंसेस में ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखा रहा है दिल्ली इंडिया की कैपिटल है सुवर्णा किंग की वाइफ है और ताहिर कपूर का बेटा है ऑफ़ अक्सर पोजिशन भी इंडिकेट करता है जैसे यू विल फाइंड अ लेटर ऑन द टॉप ऑफ द आलमेरा एलमिरा के ऊपर लेटर पड़ी हुई है आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस मैं घर के बिल्कुल सामने खड़ा हूं दोनों केसेस में ऑफ ने बेसिकली पोजीशन इंडिकेट करी ऑफ को हम डेट की सेंस में भी यूज करते हैं जैसे मीट यू एट द एंड ऑफ मंथ ऑफ को हम बहुत सारे फ्रेजेस और एडियम्स के सेंस में भी यूज करते हैं जैसे अ पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है जब कुछ बहुत ईजी होता है जैसे आई था दैट द टेस्ट वुड भी डिफिकल्ट वे इट वॉज अ पीस ऑफ केक इसका मतलब हुआ कि टेस्ट काफी ईजी था या डोंट वरी द इंटरव्यू विल बी अ पीस अ केक इफ यू प्रिपेयर वेल नेक्स्ट फ्रेज इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इसका मतलब है वन समथिंग इज अमेजिंग एंड फैंटेस्टिक जैसे द केक यू बेट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मतलब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है द नेक्स्ट फ्रेज इज आउट ऑफ क्वेश्चन जिसका मतलब है जब कुछ इम्पॉसिबल हो जैसे गोइंग आउट टू डे इज आउट ऑफ क्वेश्चन द टेम्परेचर आउटसाइड इज माइनस फिफ्टीन डिग्रीज इसका मतलब है आज बाहर जाना इम्पॉसिबल है एक और देखो प्लानिंग अ वेकेशन दिस ईयर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इस साल वेकेशन प्लान करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सो गाइज दीज वार द डिफरेंसेस बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ एंड ऑफ आ गया डिफरेंस समझ अब जल्दी से जाओ और कमेंट सेक्शन में आंसर करो और साथ साथ मुझे बताओ और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं